अब नहीं जाएगा कोई, अब लक्की भाई चलेगा, अब नहीं बैठा कोई। गिराना मत, बकचोदी नहीं, वो चोट लगेगी यहाँ पे, मोटर बैठी। भाई ये है गेट जो कि हम कल लगा रहे थे, लेकिन अभी तक लगा नहीं प्रॉपर, क्योंकि इसके ऊपर लगी जाएगी एंगल ऐसे ऊपर से। तो फिलहाल इसे बेल्डिंग वेल्डिंग करके रस्सी वस्सी से बांध के सीढ़ी वीढ़ी लगा के ऐसे ही रोक रखा है, जो कि कल पूरा नहीं हो पाया था, आज होएगा। और आज सुबह से ही देखो मेरी वाट लगी पड़ी है, 20 लीटर की बाल्टी जो कि इसमें आनी थी, वो भी मुझे लेके जानी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ तक के लिए रिक्शा विक्शा ढूंढना मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने सोचा इस पर ही ले जाते हैं पैर वैर लगा के, ठीक है। आज यहाँ होने वाला है पेंट, जो कि भाई इसकी साफ सफाई भी करनी जरूरी है, दुनिया भर का कचरा पड़ा है। प्लम्बर करके भाग गया, बाल्टी आ गई, रेत मार आ गया, पहले इसकी घिसाई होगी फिर प्राइमर, थोड़ा बहुत काम बचा है बस। आज का सुबह का सबसे पहला टूर मेरा यहीं का था। ये जो आप देख रहे हो ना भाई, ये केवल 60 गज का मकान है, जिसमें एक कमरा, एक टॉयलेट आ गई, ये अपनी सीढ़ियां चली गई ऊपर के लिए, और एक किचन भी आ गई है, एक गैलरी है, एक रूम इधर है। साठ गज में इतना कुछ निकाल के दे रखा है, और क्या चाहिए भाई, दो कमरे, किचन है, अच्छा खासा साइज है। और ये अपना ऊपर उसका मुमटी का, चलो मुमटी भी दिखा देते हैं आपको। फिलहाल ये आ गया है गेट, और यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा स्पेस बना के दे दिया, अपना जो भी पूजा घर है ये इनका पूजा कर सकते हैं, ये पूजा कर सकते हैं, बाकी किसी को स्टोर बनाना स्टोर भी बना सकते हैं यहाँ के लिए। और छत का भी अच्छा खासा साइज निकल के आ रखा है भाई, इतनी बड़ी मुमटी के साथ साथ ये जाली दे दिया सनरूफ वगैरह के लिए। ये ऊपर का व्यू कुछ इस तरीके का है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक मेरे एक और नए चैनल में, नहीं मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज क्या रखा ना भाई, मैं आ रखा हूँ इस वाली साइड पे, जो कि हमारी 50 गज की, ये अपनी 50 गज की साइड जिस पे चल रहा है पेंट का काम, बाकी सारा काम खत्म हो गया, पेंट भी 2-3 दिन में हो जाएगा, जिसमें 2 रूम, 1 किचन, 1 टॉयलेट है, और मतलब गैलरी और अच्छा खासा मतलब स्पेस काफी ठीक ठाक है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। फिलहाल सबसे पहला मेरा साइट का विजिट इसी पे हुआ, सामान ला के दिया ना इसलिए, अब निकलते हैं बस। तो जी भाई, अपना गेट भी लग के हो गया फाइनल एकदम मस्त, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी रहेगी, क्या है ना, जो बीच बीच में जो जाली है ना, ये काफ़ी बड़ी है, 8-8 इंच की पूरी भाई, पूरी ब्लैंड जा रही है, तो कुत्ता तो आराम से भाग के निकल जाएगा, जिसके लिए हमने ला रखा है जाली। बस जाली लगने से रहेगी ये, जो कि थोड़ी देर में शाम के टाइम आके बंदे जाली लगा देंगे। वाह, फिर कुत्ते क्या, इसमें कोई चूहा भी नहीं निकल सकता, नहीं चूहा तो तब भी निकल जाएगा। तो बस थोड़ा सा काम और बचा है, लेकिन चल रहा है बढ़िया, चल जा। अभी ग्रीस नहीं लगा ना, इसलिए नहीं चल रहा, वरना एकदम ग्रीस लग जाएगा। हिल भी रहा है यार अभी, मुझे लगता है ऐसे हिलता भी होगा, ठीक है, लेकिन जब जाली लग जाएगी शायद और फिक्स हो जाएगा ये। चलो अभी का तो इतना काम तो हो गया वैसे इसमें। वाह, चलो जी फिलहाल फिर से मैं आ गया हूँ अब गंगा जी के पास, क्योंकि साइड पर भी थोड़ा सा काम कम है ना, आराम से घूमने आ गया, गर्मी भी इतनी हो रही ना भाई। ये सामने एकदम ठंडी ठंडी हवा लेंगे आधा घंटा, फिर चलेंगे इसके इधर से ही। पैदल हाँ कसम से, बस थोड़ा ध्यान से, कम से यहाँ से ना वहां तक 3 मिनट पता नहीं, पत्थर हमने खड़े हो गए पूरा पहाड़ मेरे हाथों में जान थी, इसलिए मैंने खींच लिया, देखे को भी लेके चले गए, यस टकला वो पूरी सारे गए, मेरा वजन इतना पूरी गया था ना, मेरा वजन ही ज्यादा तुम्हारा नहीं है, हम दो को संभाल लेते हैं पूरी। क्लाइंट अब नहीं जाएगा कोई, अब लक्की भाई चलेगा, अब नहीं बैठा कोई, गिराना मत, बकचोदी नहीं, बहुत चोट लगेगी यहाँ पे, मोटर बैठी, मोटर नहीं, दो ही जने जाएंगे आज दो ही जाएंगे, चलो चप्पल भी जाएगी, चप्पल भी जाओ। वाह, ये सही है भाई, अभी बैठ जाओ।
चप्पल ले लो, चप्पल ले लो, चप्पल। अरे साली फेंक दी चप्पल। अकेले पीछे के बैठो। अरे उधर उधर नहीं आएगा। वो एक साइड हो गया, बीच में बैठेगा, बीच में। मैं सभी तो नहीं आ सकता। अबे। आना चल रहे महंग यहाँ आ गया फिर वापस अरे बोट पे नहीं आएंगे ना अबे आना चल रहे क्या मस्त जुगाड़ बना रखा था भाई उन लोगों ने मतलब गंगा पार कर देंगे उससे एक दिन मैं से कर भी दी थी उस दिन मैंने सूट नहीं किया था क्योंकि काफ़ी दूर तक चली रही थी और आज तो मैं उतरते हुए देख लिया अच्छा बढ़िया जगह है ये 1 2 3 4 5 भाई अब तो मेरा भी एक मन है मतलब मैं भी एक काम करता हूँ एक मस्त नाव बनाता हूँ और उतार देते हैं गंगा में एक पार से दूसरे पार जाएंगे मस्त मछली वछली पकड़ेंगे इंजॉय करेंगे अपना धंधा सेट है ऐसे गर्मी में कब तक घूमते रहेंगे भाई जैसे जैसे साइड हो गए पूरी गर्मी में स्कूटी चलाओ साइड पे घूमो 5-6 फ्लोर ऊपर नीचे उससे बढ़िया मस्त कच्चा बनियान पहन लो ना उतारो पूरे दिन 10 किलो मछली पकड़ो आराम से शाम को अपने रूम पे वो सही है वाह क्या मस्त चीज बनाई भाई मैंने अंडे की अंकुर ये देख रहे भाई मैच हाँ भाई बीमार आदमी हो कुछ खाओगे पियोगे तो मैंने क्या मस्त डिश बनाई पता मेरे 400 सब्सक्राइबर पूरे हो गए 402 अंडे बनाए क्या यस अंडे के साथ प्याज का तड़का और साथ में नींबू का तड़का 3 पीस बनाए थे जिसमें से एक मैं उड़ा गया 2 तुम्हारे लिए अंकुर भाई का कह रहे हैं कि अपने बाल कटवाने जा रहे हैं कह रहे हैं कि इन बालों में भंगी लग रहा हूँ पूरा वैसे लग तो रहे हो तेल नहीं डालता कैसा लग रहा मस्त लग रहा है तो भाई एक ही बना सकता हूँ मैं नहीं एक ही एक पे मेरे 3-4 सब्सक्राइबर आए थे बस इतना ही बहुत है बाकी किसी और दिन बनाएंगे तो बाहर को घूमने चल रहा है कहीं अंकुर आज मैंने ना एक चीज देखी बहुत बढ़िया हम बनाएंगे नाव और भाई गंगा नहीं बह रही अंकुर गंगा नहीं बह रही गंगा एक बंदो ने थर्माकोल की नाव ले रखी पैसी वाली और उसे भाई गेर को 2 बंदे नाव पूरी गंगा पार कर दी बहुत बड़ी गंगा थी वो पार कर दी भाई उसको बैठ के 2 बंदों ने थर्माकोल की केवल बांध रखी थी उस पर बैठे 2 बंदे और चप्पल से चप्पू चला कर भाग गए वो वैसा वाला था लच्ची वाला दूसरा वाला तो वैसी जो आती पन्नी टाइप की भाई मस्त आइडिया उनका भाई के बाल कटा के रखता हूँ गंजा कर रखते तुम गंजा मैं तो एक ही बात बोल लूंगा तू गंजा हो जा जो होगा देखा जाएगा बाद में ये देखो अंकुर भाई का नया लुक सही है भाई फोन तो दोनों चार्ज होने मांग रहे हैं नहीं तो पब्लिक परेशान हो जाएगी पब्लिक डिमांड है ये ऐसा तेरा लुक पहला वाला ही ज्यादा बढ़िया लग रहा था अरे चल गया ये अंकुर का लुक देखिए अपना 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 भी करा बढ़िया है ना देखा देखा तू वीडियो देखे तू ही बताइए कल ठीक है अपना भी कर रहा बढ़िया सही है सही है सही है अरे सही है भैया हमको मना कर रहे हैं